माँ की अजमत, माँ की इज्जत किया करें। माँ का रुतबा बड़ा बुलंद होता है, बाप का रुतबा बड़ा बुलंद होता है। माँ बाप अगर राजी हैं तो अल्लाह भी राजी है। माँ बाप की रजा में ही अल्लाह की रजा है। अगर आप नफल नमाज पढ़ते हो और माँ बाप में से कोई भी आपको बुलाए तो आप उसकी बात का जवाब दें, लब्बैक कहते हुए उनके सामने हाजिर हों। एक आबिद शख्स था, इबादत गुजार था, रातों दिन अल्लाह ताला की इबादत करता रहता था। एक दिन उनकी माँ उनसे मिलने के लिए आई। ये शख्स नफल नमाज पढ़ रहा था, उनकी माँ ने आवाज़ दी, बेटा मैं आई हूँ, मैं तुझसे मिलना चाहती हूँ, मैं तुझसे मुलाकात करना चाहती हूँ, बेटा मुझसे मिल ले आके, मुझसे दो बातें कर ले आके। लेकिन ये नफल नमाज पढ़ रहा था, इसने सोचा या अल्लाह मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, नमाज तोड़ूँ या माँ से मुलाकात के लिए जाऊँ। या अल्लाह इधर माँ बैठी हुई है, माँ मुझसे मुलाकात करने के लिए आई है और मैं तेरी इबादत कर रहा हूँ, नफल नमाज पढ़ रहा हूँ, या अल्लाह मैं क्या करूँ। तो इसने नमाज को तरजीह दी और माँ से बात नहीं की, माँ के पास नहीं गया, माँ वापस लौट गई। दूसरे दिन फिर माँ आई, माँ ने फिर अपने बेटे को आवाज़ दी, बेटा मैं तुझसे मिलने के लिए आई हूँ, मैं तुझसे मुलाकात करने के लिए आई हूँ, बेटा दो तीन बातें मुझसे कर ले, बेटा मेरे पास बैठ जा, मुझे सुकून हासिल हो जाएगा। ये फिर नफल नमाज पढ़ रहा था, फ़ौरन इसने अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, या अल्लाह मैं नमाज तोड़ूँ तो माँ के पास जाऊँ। इसने नमाज नहीं तोड़ी, फिर इसने नमाज को तरजीह दी, नफल नमाज को तरजीह दी और माँ से मुलाकात नहीं की। माँ का दिल टूट गया, माँ मायूस होकर फिर घर वापस चली गई और माँ ने इसके लिए बद्दुआ कर दी, या अल्लाह ये मुझसे मुलाकात करने के लिए नहीं आया, ऐ मेरे परवरदिगार इसको तू जलील और रुस्वा कर, और जब तक इसको मौत ना देना जब तक ये जलील और रुस्वा ना हो जाए। वो आबिद शख्स, वो इबादत गुजार शख्स, हर वक्त अल्लाह की इबादत करने वाला, माँ से सिर्फ मुलाकात नहीं की, इस वजह से माँ ने बद्दुआ दी। तो देखो क्या होता है, एक दिन ये नमाज पढ़ रहा है और ये जहाँ पर नमाज पढ़ता था वहाँ पर एक चरवाहा था जो बकरियाँ चराता था और वहाँ पर आराम करने के लिए बैठ जाया करता था। तो वहाँ पर उस चरवाहे ने जिना किया और कुछ दिनों के बाद जिससे जिना किया था उसका बच्चा हुआ। जब वो बच्चा हुआ तो उसने तोहमत लगा दी कि इसी आबिद का ये बच्चा है। उस औरत ने भी तोहमत लगा दी, ये आबिद का बच्चा है, क्योंकि इधर माँ ने बद्दुआ की थी तो जलील तो उसे होना था। उस आबिद शख्स पर जब तोहमत लगी तो लोग आ गए अपने अपने हाथों में लाठी लेके, लोग उसके दरवाजे पर आ गए जहाँ पर वो इबादत करता था अल्लाह ताला की, उसके इबादत खाने को तोड़ने लगे, उसको बुलाने लगे, बाहर निकल, तू आबिद की शक्ल में शैतान है, तूने एक लड़की से जिना किया और वो बच्चा पैदा हुआ तो तू मानने को भी तैयार नहीं है। लोग इसको बुरा भला कहने लगे, जलील कहने लगे, जलील करने लगे और लोगों ने इसके इबादत खाने को तोड़ना शुरू कर दिया। ये बाहर निकला, लोगों से लाख गुना कहता रहा कि मैंने ये नहीं किया है, मैं गुनाहगार नहीं हूँ, मैंने जिना नहीं किया, अल्लाह के वास्ते मेरी बात मान लो। लेकिन कौन मानता? उस आबिद इंसान ने सोचा अब क्या करें, अल्लाह की बारगाह में फरियाद की है, अल्लाह अब मैं क्या करूँ कि लोग इनको मालूम चले कि मैं गुनाहगार नहीं हूँ। उस आबिद इंसान ने क्या किया, वो उसी बच्चे के पास, अभी छोटा सा बच्चा है वो, उस बच्चे के पास गया और कहा, ऐ बच्चे तुझे हजरत मूसा अलैहि सलाम का वास्ता है, तू बोल और बता कि तू किसका बच्चा है, तू किसका बेटा है। वो छोटा सा बच्चा बोलता है कि मैं फुला शख्स का बेटा हूँ, मेरा फुला बाप है। जब इतना उसने कहा ना तो मजमे से नारों की सदाएं बुलंद हो गईं और लोगों ने उससे माफ़ी तलब की और कहा, मैंने जो तुम्हारा घर, तुम्हारा इबादत खाना तोड़ा है, मैं उसको सही कर दूंगा, सोने चांदी का बनवा दूंगा। उस आबिद ने कहा, तुम सोने चांदी का मत बनवाओ, जैसा मेरा इबादत खाना बना था तुम वैसा ही बना दो, क्योंकि उसे मालूम था कि माँ ने बद्दुआ दी है, माँ की बद्दुआ की वजह से मैं यहाँ जलील हुआ हूँ। तो माँ की बद्दुआ कभी मत लेना मेरे भाइयों, माँ से दुआएं ही लेना, बाप से दुआएं ही लेना। माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो बाप जन्नत का दरवाज़ा है। अपने माँ बाप को समझो, जब ये दुनिया से चले जाते हैं तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती है। माँ बाप की इज्जत करो, उनकी सेवा करो। इंसान क्या सोचता है जब वो बूढ़ा हो जाता है,
माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं उनकी तमन्ना होती है कि मेरा बच्चा हमारा सहारा बनेगा, हमारे बच्चे हमारी औलाद हमारा सहारा बनेंगे। वो बचपन में अपने दांतों से चबा चबा कर रोटियां खिलाता है, बचपन में उंगली पकड़ के अपने बच्चे को चलना सिखाता है। माँ ऐसी होती है कि बच्चे को गीले से निकाल के सूखे में लिटाती है और खुद गीले में सो जाती है। माँ की ममता तो ये होती है, माँ का प्यार तो इतना होता है, लेकिन बाकी बच्चा जब जवान हो जाता है तो कहता है तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, तुमने क्या किया मेरे वास्ते, तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हें कुछ करना नहीं आता, तुम्हें समाज के हिसाब से जीना नहीं आता, तुम कुछ नहीं जानते। अपने माँ बाप से कहते हैं कि तुम्हें क्या मालूम है दुनिया में आजकल हो क्या रहा है। वो माँ बाप जिन्होंने सख्त मेहनतों के बाद अपने बच्चों का पेट पाला है, अपने बच्चों के पेट भरे हैं, अपनी फैमिली को अच्छा खाना दिया, अच्छा कपड़ा दिया, अच्छा पहनने को दिया, लेकिन वही बच्चे माँ बाप की गुस्ताख बनते हैं ना, तो माँ बाप के दिल टूट जाते हैं, माँ बाप के दिल टूट जाते हैं। और जब बच्चे अपने माँ बाप को बुरा भला कहते हैं ना, उन्हीं माँ बाप के फिर मुंह से बद्दुआएं निकलती हैं, वो बद्दुआएं फौरन कबूल हो जाती हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सिर्फ तीन लोगों की दुआएं बहुत जल्दी कबूल हो जाती हैं, नंबर एक मुसाफिर की दुआ, नंबर दो माँ बाप की दुआ, और नंबर तीन मजलूम की दुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए।